मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आशीर्वाद भगवान आपको इतनी लंबी उम्र दे, इस मंच के आजीवन आपका सहयोग मिले। मीना बुरा बनारस से आपकी इस समय लाइव हमारे देख रही है, मैं आपको प्रणाम करते हुए आपके सहयोग का उद्घोष करता हूँ और 501 रुपए का सहयोग रावण के महाभिलाप में आपने अपना भाव प्रकट किया है। राम राम कर नौजिया, इस नौजवान ने हमें 101 रुपए का सहयोग दिया है और दक्षिणपुरा से रणवीर सिंह जो छोटे बच्चों को इस समय ट्यूशन देने का कार्य कर रहे हैं, आपने हमें 101 रुपए का सहयोग देते हुए हमारा मान बढ़ाया है। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और पिंटू यादव का परिचय सुभाष यादव नगे भतीजे हैं और इन्होंने 151 रुपए का सहयोग देकर हमारा उत्साह बढ़ा दिया है। हम इस नौजवान को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। ये कहां का है? एक बार फिर दुर्गा पूजा समित मछलापुरा के तरफ से सहयोग आता हुआ पवन सिंह जो आप इस समित के अध्यक्ष हैं, आपने 101 रुपए का सहयोग देकर के इस राजनीतिक मंच का मान बढ़ाया है। आपका स्वागत अभिनंदन है। और एक बार फिर यादव बस्ती से सम्मान सहयोग आशीर्वाद आता हुआ बनवारी यादव जी, आपके तरफ से 111 रुपए का सहयोग मिला है। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो लोगों ने बैठ करके शरीर से भगवान के इस कार्य में अपना सहयोग दिया है उनको हमारे तरफ से विशेष प्रणाम, विशेष अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन। लेकिन उससे पहले जो लोग इस मंच को करते हुए अभी आज भी भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं, सकुशल हैं, अपने परिवार के साथ आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारी समित की तरफ से नौजवानों में उन भूतपूर्व पात्रों को सम्मान देकर के ये स्थापित करना चाहते हैं कि आप अगर भगवान हमारे मन में है तो उस भगवान के पात्र को खेलने वाले आप भी हमारे हृदय में उतने ही वास करते हैं। इसके लिए मैं राजू जी का सहयोग लेना चाहूंगा। मेला मालिक अब समय शिवकुमार के साथ आए पाए, आप इस मंच की तरफ आने का कष्ट करें। आपका भी स्वागत वंदन है, अभिनंदन है। आपके कर कमलों द्वारा हमारे पुराने जो भी पात्र हैं उनका स्वागत अभिनंदन और स्मृति चिन्ह देकर के उनको सम्मानित करने का आप कार्य करेंगे। हमारे का जीवन खूब बढ़िया से अगर गिनल जा तो जब माई की गोदी से उतर के जब नीम के पेड़ के नीचे बैठ लिया तो वहां कुछ दिन बैठने के बाद जब बड़े हुए तो उससे थोड़ा सा आगे आए, ये जीवन का क्रम हमारा चलता रहा। वहां से आगे आने के बाद थोड़ा और बड़े हुए तो उससे आगे आए जहाँ राम लक्ष्मण मेघनाथ और रावण से लड़ाई करते हैं। जब थोड़ा और बड़े हुए तो इस मंच के करीब मुर्दा बेटा को खम देने के लायक हो गई, ये जीवन का क्रम चलता रहा। और जब उससे बड़े हुए और आज दिखाया भी जाएगा, हाँ मुर्दा बेटा का खम दे आज होगा। कैसे कोटा पर इतना राशन मिल गई बात कि खा पी करके आदमी आनंद में रहे और जो भी हास्य कॉमिक है उसका आनंद ले। बड़े होते हुए आज भगवान की कृपा से हम मंच पे खड़े हैं, ये जीवन का क्रम है। और उसके बाद हम फिर वो उम्र होगी जो 14 वर्षों के लिए हम भी अपने सब पत्नी सहित कहीं दिल्ली बॉम्बे हरियाणा बनारस जाकर के और अपने जीवन के कार्यकलापों को अपने कर्मों को करेंगे, ये हमारी जीवन पद्धति है। आइए सबसे पहला नाम श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी, स्वागत अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आपने इस ग्राम सभा के मंच का पात्र बनते हुए जब यहाँ से आप हटे तो देश की सेवा में आपने सीमा पर जाकर के भारत माता की सेवा के हुए, ऐसे वीर पुरुष के लिए एक बार जोरदार ताली।
जब इस मंच पे पहली बार कदम रखा तो आपको जामवंत जी का रोल करने को मिला। जामवंत जी की भूमिका में आपने बखूबी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिल्कुल समय पर इस मंच पे आकर के आपने भगवान का सहयोग किया, उनका सम्मान हो। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप एक बार जामवंत जी कहे गए चौपाई हो गया ललकार के। हे महावीर बजरंग बली तुम सब कपितल के नायक हो, तुम सब कपितल के नायक हो, जो बैठे हो तुम मानस हम सब के। उस समय जब ये बोलते होंगे तो निश्चित मान के चलिए कि बैठा हुआ श्रोता एकदम गदगद हो जाता होगा और आप प्रश्न ये स्मृति चिन्ह देने के लिए शिव कुमार सिंह जी के कर्कवलों द्वारा जिसमें गणेश जी की एक खूबसूरत आशीर्वाद देती हुई मूर्ति और इस रामलीला मंच का तस्वीर। आपके जीवन में हमेशा सुख खुशहाली रहे, इसी मंगलमय कामना के साथ हम आपका एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हुए आपको अपने उचित स्थान पर बैठने का अनुरोध भी नहीं करते हैं। धन्यवाद। अगले क्रम में आपका नंबर है। अच्छा आई, हाँ ठीक है, हाँ जिनको सम्मानित करना है बिल्कुल स्वर लहर। जब हम लोगों ने रामलीला शुरू किया उस समय बहुत अच्छे अच्छे नौजवान जिनकी लयदारी बड़ी अच्छी हुआ और वहीं से हमको लगता है कि रामलीला को एक नया आयाम मिला जो स्वर के माध्यम से हमने आपको आनंदित किया और आपको रामलीला देखने के लिए विवश किया। उसी में एक नाम है मोहम्मद इकलाक, इनका एक बड़ा मशहूर इस मंच पे हुआ करता था बहेलिया रे कहां बनी पियो रे मोरा सुरम चिरैया। ये गीत निश्चित रूप से जब इकलाक की आवाज से निकलती थी मुंह से निकलती थी तो लगता था और ये प्रसंग तब हम लाते थे जब सीता जी का हरण हो चुका होता है और भगवान राम को ये घूम घूम कर खोज रहे थे। तो मैं इस गीत के साथ इकलाक को आमंत्रित करता हूँ और उसके बाद इनका सम्मान समारोह। हेलो हेलो आदरणीय अध्यक्ष जी, इस रामलीला समिति के सभी कार्यकर्तागण उपस्थित ये विशाल जनसभा, हम अपना परिचय क्या दें, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ और ये मन जी हमको जो आज मिला है इसी मन की बदौलत, हालांकि मैं ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा लेकिन मैं जितना भी हूँ बहुत खुश हूँ कि मैं इस मंच से, यही हमारा मंच है, मैं कहीं भी ना हो कोई भी अपने काम से दूर चैन से नहीं जा सकता है, अगर उसको सुकून मिलेगा आराम मिलेगा तो अपने गाँव में मिलता है। जैसा कि मैं कई बार आया हूँ और लोगों के सामने ये बात अपनी बात कहा हो कि हमको जब भी सुकून मिलता है यही मिलता है, आज आना जाना लगा रहता है तो बात ज्यादा हो जाएगी और कम समय भी है तो मैं फिर तो पहले जाना था और फरमाइश भी होनी थी, कोशिश करूंगा कि फिर मैं इस गीत को गा सकूंगा। Oh
Oh,
जब दवाई हुई आग का पता चल गया, बादलों से गगन का पता चल गया, इस गांव के लिए तुम्हारे मन में कितना प्रेम है, तुम्हारे इस गीत से तुम्हारे मन का पता चल गया। और बिल्कुल सही समय पे उन मन के भाव को टटोलते हुए ज्ञान प्रकाश जी ने अपने इस साथी को खूब आशीर्वाद दिया। बड़ा गजब का मिलन रहा। इनको सम्मानित करके ये थोड़ा सा पूछ देना कि आप क्यों रिटायर हो रहे हैं। इसने अपने मन के भाव को रोक नहीं पाया और गीत के माध्यम से जो अश्र रहा है वो भगवान इस बच्चे को आशीर्वाद दे कि जहाँ रहे सब कुशल रहे, खूब खुश रहे और सदा सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन जी, बहुत सही समय पर हौसला अफजाई करते हुए और एक ये कप है जिसपे हमारे इस मंच का ये फोटो बना हुआ है। ये तस्वीर है कि आप एक घूट भी पिए तो राम के नाम का घूट पिए, जल भी पिए तो भगवान के नाम का पिए और दूध पिए तो भगवान के नाम का पिए, जो कुछ भी आपके मुंह में जाए केवल भगवान का नाम का जाए। ये हमारे साथ का पहल है भगवान को याद करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। वो हो जाएगा बच्चों को सम्मानित कर दिया। हाँ हाँ आप और एक और नाम है करेंगे थोड़ा सा। एक और है, अरे इसे गवा लेंगे यार, पूरा समझ है। एकला जी जी एक बार फिर से मंच पर आने का आग्रह करें और एक इनके परम मित्र बहुत ही अजीज मित्र डॉक्टर संजय सिंह जी और प्रभु चचा, आपने लाइव
इस गीत को सुनते हुए अपने भाव को इस मंच तक पहुंचाया है और एक आंख को 501 रुपए से सम्मानित किया है। बहुत बहुत होता है मन में कि बच्चों के सामने आप जा रहे हैं, थोड़ा सा वो लगता है और मैं तो चाहूंगा कि आप विदा ना लें, क्योंकि जब भी आप जैसे श्रोताओं को अपने शब्दों से आभार प्रकट करने के लिए हमें एक ही व्यक्ति मिले डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, और ये नाम अगर आप सहमत हैं तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आपको, डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी, जोरदार ताली बजा के ये तालियां इस व्यक्तित्व के लिए बहुत कमजोर है। एक बार घर हो, क्योंकि भगवान राम की सुंदरता और उनकी वाणी को सबसे पहले इस मंच पे जिसने आपके सामने सम्मान के रूप में रखा, ऐसे डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी को विदा करते हुए मन बड़ा दुखी है, लेकिन कमेटी का निर्णय है और आपकी स्वेच्छा को हम सम्मान करते हुए आपको मंच में सादर आमंत्रित किया। और आज खाली एक बात हुई कि जब आप राम बने तो वहां इस मंच पे आपने कितना अनुभव किया इस ग्राम सभा के भक्तों का और इस मंच के इस कमेटी के अन्य सदस्य और अध्यक्षगण का, किस तरह की व्यवस्था के साथ आपने भगवान राम बनना स्वीकार किया, इन इन शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के चरणों को नमन करते हुए इस रामलीला को देखने वाले तमाम शीश वशिष्ठ वरिष्ठ और कनिष्ठगण आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं, चूंकि बड़ा कठिन प्रश्न संचालक महोदय ने मेरे साथ छोड़ रखा है, राम का अभिनय करते समय कैसा महसूस हुआ, लोगों को कैसा लगा, लोगों को कैसा लगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अपना खुद का अनुभव मैं अवश्य बताऊंगा। सबसे पहले चूंकि आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन ही सुलोचना सती होता है, तो सबसे पहले अपने पूजनीय चाचा जी स्वर्गीय श्री दूधनाथ सिंह जी से का मैं स्मरण करना चाहता हूँ, उनको नमन करना चाहता हूँ कि मेरे राम के किरदार के समय मुझे मौका मिला है कि आपने मेरे साथ सुलोचना की भूमिका में इस मंच से अभिनय किया है और मैं वहां हुआ करता था। धैर्य का अभिला अंतिम दिन पूरे इलाके में अगर जाना जाता था तो सुलोचना सती के नाम से जाना जाता था, और आधुनिक चर्चा रहता था जो अभिनय होता था, जो करुणाभिलाप होता था, जो जिसको हम कहें विभवाभिलाप होता था, वो वाकई मन को छोड़ देता था। और जहां तक मेरे राम के किरदार की बात है तो मेरा एक अनुभव मैं सोचता था कि पता नहीं लोग
होते हैं, शहजहान का विलाप होता है तो आंख में कुछ लगा देते हैं, पानी गिरता है। आखिरकार रुदर से होती है। मैंने ये पहला दर्शन जब मुझे अभिनय करने को मिला कि आप लक्ष्मण शत्रु भी आप करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा, तो ये मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। उस समय में कक्षा 8 का छात्र था। आपको बताओ कि भरावा को जाकर मैं 2 दिन प्रैक्टिस किया और अकेले में वाकई राम विलाप में जो भी चौपाइयां हैं, अगर उन चौपाइयों को अपने दिल पर लेकर के जब ऊपर दिया जाए तो मेरा दावा, इस वंश में दावा करता हूं और पहले साल का मेरा अनुभव है, जो लोग बहुत से लोग इसमें गवाह भी होंगे, इस मंच को इस कोई ऐसी जनता नहीं थी जिसके आंख में आंसू आया था। तो अगर फिर से किसी भूमिका को का निर्वहन किया जाए तो उस भूमिका में आप अव्वल जरूर आएंगे। केवल राम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चाहे सुलोचना की मैंने बात किया, भरत की बात है, जितने भी बिछो हुए हैं, विलाप हुए हैं, अगर उनमें सबने अंदर से फिर से विलाप किया जाए तो राम विलाप से कोई विलाप कम नहीं है। दूसरी बात, चूंकि संसाधनों का अभाव, और संसाधनों के अभाव में जो पुराने लोग होंगे उसमें बहुत मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बहुत लंबा चौड़ा करना चाहता हूं। फिर भी चूंकि राहुल राजू आज सवेरे हमारे यहां गए तो इन्होंने कहा कि कमेटी ने निर्णय लिया है कि आज आपको सम्मानित किया जाए। जो मेरे मन में बात आई मैं इस मन से वो बात ताना अवश्य चाहता हूं। जो मेरी भावना है, हो सकता है कि आप लोगों की भावना मुझसे इतर हो, भिन्न हो। जब पहली बार मैं अपना परिवार लेकर के, बच्चों को लेकर के जाने लगा तो घर की तरफ देख करके कि ये घर मुझसे अब छूट रहा है, मुझे लगा ये। वैसे ही मुझे आज जरूर ये लग रहा है, क्योंकि भावनात्मक मन लगाव मेरा इस मन से रहा है, बचपन से रहा है, और भावनात्मक लगाव खत्म नहीं होती होती, वो जुड़े रहते हैं, चाहे आप किरदार में हो या ना हो, आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस मन से लगाव रखते हो, चाहे आप रामलीला देखने आते हो ना आते हो, जहां आप आते हो अगर लगाव है तो निसंदेह कहीं न कहीं ये गूंज आपका अवश्य जाएगी। तो सबसे पहले आए हुए समस्त सम्मानित दर्शकों का जो ऑनलाइन इस रामलीला का मंचन देख रहे हैं, आप सभी लोगों का और रामलीला समित सबसे पहले तो बधाई की पात्र, धन्यवाद की पात्र जो वर्तमान समय में रामलीला समिति के अध्यक्षगण, कोषाध्यक्षगण, सक्रिय कार्यकर्तागण,
या जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका योगदान इस रामलीला में रहता है, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और मेरी शुभकामना है कि ये मन दिन गुना रात चौगुना अपने ऊंचाइयों को छूता रहे, क्योंकि इस मंच में बड़े ही होनहार वीरवान पैदा किए हैं, जो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर के किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इस मंच की देन है। चलिए वार्ता को बहुत लंबा न करके पुनः आप सभी लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मन के भाव को हमारे बीच रखा और आपको सम्मानित करने के लिए कुल बत्ती रह गए। राम की वो चौपाई जहां आपने इस मंच पे पहली बार इस चौपाई को बोला, एक बार जाते जाते इस मंच पे उस चौपाई को आप निवेदन के साथ चूंकि निवेदन से पहले भी मैं चौपाई भूल दिया होता, लेकिन मैं बताऊं आपको, विगत 7-8 दिन से मुझे मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, लेकिन चूंकि कहा गया है तो ना तेज आवाज में लेकिन धीरे में आपकी बात को रखूंगा। लग रहा है भवन धन स्त्री सुती ये बार बार भूल खिलते हैं, हे भाई समझे शीघ्र उठो ये भाई सौगम। हुए आपको सम्मानित करने के लिए इस प्रांगण में मौजूद श्री नंदलाल सिंह जी, जो हमारे चाचा हैं, आसाम से आप रिटायर होकर इस समय पहली बार बहुत वर्षों बाद रामलीला के मंचन पे आप उपस्थित हो रहे हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत करें और आपके पर कपूर द्वारा डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए, चूंकि हम डॉक्टर साहब से उम्र में अब छोटों को बुलाना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमारे निवेदन पे आप उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। और इसी के साथ एक बार ताली बजा के पूजा कर दी, भगवान को पूजा कर रहे आप। और जितेंद्र चा एक बार फिर आप थोड़ा सा मंच पे आने का कष्ट करें। हाँ आप चलो कर रहा, मैं पहले कर रहा। और आपको एक स्मृति चिन्ह थोड़ा सा छूट गया था बात बात में, उसके लिए मैं संदीप सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। आइए आइए, अरे आइए भाई, वो कब लगे, वो कब छूट गया था। और इनको चूंकि रावण जामोहन से बड़ा खुलसा है, जामोहन खुल रहा है भगवान के लिए रावण के मरोड़ में, रावण यही सब चाहते हैं कि रावण खुद जामोहन जी को सम्मानित करे। स्मृति चिन्ह के रूप में वो कब, जिसपे हमारे मंच का वो परम विश्व भगवान का ये भवन चलता रहेगा, भोले भंडारी जय जय। ताली बजा के स्वागत करिए एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए, छोटे छोटे बच्चे जिनके नेतृत्व में इस मंच पे आप उनको देखा, वो छोटे बच्चे जिसमें ज्ञान प्रकाश जी का बड़ा लड़का, जिसने प्रार्थना से और भगवान की आरती से अपने स्वर के माध्यम से आपके बीच प्रथम उपस्थिति दर्ज की, उस बच्चे की पूरी टीम उज्जवल सिंह, जिनका जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ वो मंच पे आने का कष्ट करें, उज्जवल सिंह, दिव्य प्रकाश सिंह, नमन सिंह, यशराज सिंह, सबुम सिंह, सजल सिंह,
सजन सिंह उर्फ देवान, अभिज्ञान सिंह, विमर्श सिंह, पुष्पराज सिंह और सुमित सिंह भगवान बबुआ के पुलिस करके जरिए आवा। ये सारे बच्चे पहली बार रामलीला के मंच पर पदार्पण किए हैं। इनका उत्साह वर्धन हेतु हमारी समिति ने, क्योंकि इनके लय के कोच इनको ट्रेन करने का थोड़ा सा जो भी समय मिला ज्ञान प्रकाश जी के, उन्होंने इन बच्चों को थोड़ा सा अपने माध्यम से दीपिक नाम बोले थे ना, दीपिक कहाँ है? तो उनके पिताजी हैं। अच्छा, वो ठीक है। और कोई छुट रहा है क्या? सजल कहाँ है? तो बोल दो, बोल दो, बोल क्या जाए? ज्ञान प्रकाश जी, ज्ञान की बुलाई। डॉक्टर साहब, कमेटी की इच्छा है कि आप ही थोड़ा सा इन बच्चों को आशीर्वाद शुरू करो। ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं। हेलो हेलो, इन बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए, चूंकि हम लोग धीरे धीरे अपने जीवन के उस संघर्षों पे चल रहे हैं जहाँ निश्चित रूप से दिन का समय अभाव है, रात भर जागे को बात लिखे, तो इनको तैयार किया जा रहा है। एक टीम तैयार की जा रही है जो व्यवस्था भी देखती है, जैसे भगवान ये व्यवस्था को देखने का काम सौंप रहे हैं। और ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कोई सखी बना है, कोई खल बना है, और आने वाले दिनों में जब हम मंच की शुरुआत करेंगे तो उसमें ये बच्चा सबसे पहले आगे दिखेगा। भक्ति भावना प्रार्थना और भगवान की हाजिरी में ये टीम और उज्ज्वल, निश्चित रूप से इसकी आवाज ने पहली बार मुझे भी आनंदित किया कि एक लड़का जो कभी इस मंच पे इनके पिताजी ने समय नहीं दे पाए, लेकिन मंच के नीचे हमेशा कार्यरत रहे, और पहली बार ये लड़का अपने पिता का मान बढ़ाता हुआ इस मंच से, नमन सिंह, एक होनहार बालक जिसे आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, उनको सम्मानित करते हुए डॉक्टर परमेंद्र सिंह जी और भविष्य के हनुमान, जिनको आप आने वाले समय में हनुमान के रूप में भी देखेंगे, इस बच्चे का हौसला ऊंचा करते हुए बिल्कुल सही समय के सही तथ्य के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, काफी उत्साहवर्धक है और बधाई के पात्र है। और आखिर में प्रदेश, इसने भी सीता के सखी के रूप में जो अपना पहला मंचन किया था, काफी सराहनीय रहा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण सिंह जी, आपने बच्चों का उत्साह वर्धन किया। क्या बता जाए, सही पूछी तो मंत्र पढ़ते लिखे जाएगा, लेकिन जाए जरूर का नंत्र का मेला का मिठाई बसी आ जाएगी। और सबसे आखिर में आपने हमारे मंच पर तीन नृत्य करने वाली उन बेटियों को देखा जो अपने घर की वो बेटियां हैं, जैसे हमने अपने बहनों को, अपने माओं को अपने घर के आंगन में घूमते टहलते देखा है। ये इनका वो कला है जिसे पेट भरने के लिए इन्होंने उस विषय को चुना। ये भी अपनी माँ की लाडली है, अपने पिता की शान है, जो जिस माहौल में है उस माहौल में बच्चियों का कभी मान नहीं जाता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, दरिद्र हो, किसी भी रूप में बेटी हमेशा वो जगी रही है अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए। जो इनका समाज है उस समाज में बेटियां जन्म पूजनी होगी, उनका भी सम्मान करने के लिए हमारे कमेटी के ने जो निर्णय लिया है उसके लिए ये कमेटी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। उसमें जो सबसे बड़ी व्यक्ति है आराधना, आराधना यादव, इसने हमें 501 रुपए का पुरस्कार देकर के इस मंच के मर्यादा को बढ़ाने का काम किया है। आइए मंत्र
संगीत के माध्यम से कर लीजिए। सौभाग्य है इनके घर की मिट्टी जब निकल के आती है तो दुर्गा माँ की तस्वीर को हम समाज में पूजने के योग बनाते हैं, इसलिए इन बेटियों का सम्मान होना चाहिए, जिससे हमारे माहौल को जो समय मिलता है। नितिन चा, मैं इस बड़े कार्य के लिए माँ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मन में जो हिचक रही है निश्चित रूप से आपने उसको तोड़ा है और सम्मानित किया है। रोली चंदन का त्यौहार नहीं होता, रोली चंदन का त्यौहार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सोना सोना लगता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। दूसरी लड़की है सुहाना और संध्या, सुहाना और संध्या दोनों जने आ जाए, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस मंच पे अच्छे बेटे के साथ जो हमारा मनोरंजन किया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ताली बजा के स्वागत करिएगा, क्योंकि इनके मित्र पे जब आप खुशी मन से तालियां बजाते हैं तो इन्हें भी अच्छा लगता है कि हमारे बड़ा को सराहा जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य जिसमें समाज को ये सोचना पड़ेगा कि बेटियां हर हाल में बेटियां होती हैं, चाहे वो जिस मंच पे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ये संस्कार है चरण स्पर्श का। हेलो, मंच पर निश्चित तौर पर जो सम्मान समारोह चला है ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है, जिसने हम जैसे युवाओं को प्रेरित किया है कि मंच के कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन एक चीज जो कई दिनों से हमारे जेहन में आ रही थी और जो है मंच का आखिरी है, इसलिए मैं सोचा कि मातृशक्तियां भी यहाँ बैठी है सबके सामने ये बात कहनी ही जरूरी है। आज से ठीक 15-20 दिन बाद हमारे यहाँ दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। हमने अक्सर देखा है कि लोग देव दीपावली देखने के लिए बनारस घाट पे जाते हैं, मऊ के शीतला मंदिर में जाते हैं। दीपावली के त्योहार के दिन भी हमारी माताएं बहने घर में दीपक जलाती हैं, यहाँ तक कि एक दिया काली माता के मंदिर में, दी बाबा के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में हर जगह जाता है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2-4 घरों को छोड़कर कोई भी घर ऐसा नहीं है जो लाल करके एक दिया हमारे रामलीला मंच पर रख सके। इसलिए मैं अपनी मात्र शक्तियों से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि शाम को 6 बजे जब मैं यहाँ दीपक जलाने के लिए आता हूँ तो सिर्फ 2 या 3 दिनों का मुझे जलता है, और मैं प्रत्येक दीपावली को 5 दिनों तक जलाने का संकल्प लिया हूँ और 5 दीपक जलाता हूँ। लेकिन अगर हमारी मात्र शक्तियाँ, हमारे युवा, आप लोग दीपावली के दिन अगर एक दीपक प्रत्येक घर से यहाँ जलाना शुरू करें तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हमारा यह मन किसी देव दीपावली से कम नहीं होगा। किसी के साथ मैं उनका आपके सम्मान कर रहा हूँ, धन्यवाद। आइए बंसे जोड़ते हैं और अहिरावण हर माई हो तनिया माई हो तनिया Thank you.
भैया रावण मुझे क्यों याद किया, क्या दिक्कत हुआ भैया, मुझे बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है भैया। हे भाई भाई अरे और यह एक बहुत लंबी कहानी है, क्या कहूं चला तारा झगड़ा तारा जो पढ़कर पारवाल हुआ, ये जंग ने पकड़ लिया जिसे देख है परिणाम स्वरूप वह बंदर अब
अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करते हुए पूरी लंका नगर को जलाकर राख कर दिया। भाई कमिश्नर भी दुश्मन से जा मिला। फिर एक दिन किसी जमाने में हमारे मित्र हुआ करते, किसकी लालन में महाराजा काल का पुत्र आंगन लंका आया और मुझे व्यक्तिगत बातें समझाने लगा। उसकी बातें नागवार लगी और मैंने उसे विचार कर लंका से भगा दिया। अंततः हताश निराश परेशान और तपस्वी पूरी सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दिया। भीषण संग्राम छिड़ा। बेटा इंद्रजीत को मैंने युद्ध में भेजा। उसने लक्ष्मण को शक्ति बीमारी लेकिन सुखेल वैद्य ने बुद्धि का पता बता दिया और लक्ष्मण पुनर्जीवित हो गया। भाई कुंभकर्ण गति को प्राप्त हुआ। पुत्र वरु सुलोचना ने भी संकट की इस घड़ी में हमारा साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि बेटा इंद्रजीत भी गुरु काल के काल में चला गया। अब तो मैं फिर युद्ध की तैयारी कर रहा था लेकिन अचानक मुझे तुम्हारी याद आई। सोचा कि तुम्हें याद कर लो, इसीलिए मैंने तुम्हें याद किया। पूरी लंबी कहानी, एक पर एक मरते गए कहानियां बढ़ती गई, ध्यान देना पल पल। ठीक है रावण, अरे तो बेकार। ठीक वही ज्ञान तुम्हारे पास। किस चीज का क्या होगा, किस चीज का क्या होगा? सारी कहानियां बढ़ती गई बढ़ती गई, एक पर एक मरते गए फिर भी ज्ञान नहीं मिला। ऐसे ऐसे उपद्रव किए। अरे कहां ज्ञान है उनका, मैं बताता हूं वो दोनों कौन है। तो दोनों कौन है? वे अभी संतन
सुख पावे। मैं तो यह समझता हूँ पछताप करो या इतनी लंबी कहानियां बढ़ गई भैया, कुछ तो ध्यान दो। और किसी नारी को चुराना क्या अच्छा काम है? एक बात सुनो, मत बाधा Thank you.
ठीक तरह नहीं चलती तो केड़ी जाएगा। ये सब ऐसा ऐसा किसी तरह बातें बातें सभी को नहीं होती। आज तो बचा क्या है, क्या बचा है ना? बस मैं कोई नहीं बचा है। एक बार बताओ कि सीता को क्यों चुराई जाए, क्या कमी कमी था, कौन सा बुरा काम था उसको चुराएगा? तुम्हें तो पता है कि मुझे पटरानिया रखने का कितना शौक है और सीता मृग के समान चंद्रों वाली वाली हिरनी के जैसे चार वाली और कबूतर के बच्चे की भांति सुंदर लगने वाली एक ऐसी अद्वितीय और अनुपम नारी है जिसकी तुलना पूरे पृथ्वी जगत पर विद्यमान किसी नारी से नहीं की जा सकती, जिसे एक बार देखने भर के लिए सूर्य देव नारायण कहते हैं। किसी नारी का आंख मृग नहीं जैसा हो, माधुरी दीक्षित जैसा हो, क्या उसके चक्कर में पड़ जाओगे? उसकी रंग को रानी बनाओगे? नहीं, थोड़ा थाना है। हर पर नाम छोड़ के हर पर 365। अरे रावण ये बताओ कि तुम्हारे पास कितनी रानी आ रही है? वर्तमान समय में प्रतिदिन के मुताबिक मेरे पास 365 रखा हुआ है। 365 रानी और साल में कितने दिन होते हैं रावण? यही तो बताओ। 365 दिन होते हैं। कितना दिन होते हैं? 365। 365 दिन होते हैं। कहाँ क्या ले रहा है? 365 रानियां हैं, 365 दिन हो गए तो 366 रानी लेकर क्या चाहता? बस यही अंतर रह गया यार, तुमने हर जगह मेरा मुकाबला किया, चाहे धन का चित्र रहा हो, पराक्रम का चित्र रहा हो, ऐश्वर्य सुख समृद्धि हर क्षेत्र में तुमने हमारी बराबरी की, लेकिन सिर्फ ज्ञान का क्षेत्र ऐसा रह गया जहां तुम उसके मीलों पीछे छुप गए और इसी का परिणाम रहा कि तुझे पाताल भूमि का राजा बनाया गया और फिर सिर पर गिरफ्तार है जो लंका का राजा था। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक समय ऐसा भी आता है जब 365 के बजाय 366 का एक साल होता है, भले ही हमारी नारी का नंबर 4 साल में एक बार हुआ है। एक बात खोल कर कान खोल कर सुन रहा हूं, तुलसीदास जी ने चौपाई लिखे नारी के भट देख के, नारी के भट देख के उस नर के क्या गति होता है जो नित नारी संग स्त्री तलाक जाने जग माही, नर नाचे मरकट की माही। स्त्री 16 तलाक है, अच्छे अच्छे लोग जो है उसके सामने ऐसे नाचना है जैसे अंदर ठीक तुम्हारा हाल अंदर। लगता है नारियों पर तुमने बहुत अभिमान किया। तुम्हें मैं बता दूं कि अपने अपने समय पे सभी लोगों ने
नारियों का अपने अपने तरीके से चित्रण किया है। किसी राशि का भी नहीं था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रगत पथ कर रहे कहा करो जीवन के सुंदर सुंदर। तो वही किसी शास्त्र में लिखा गया कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अन्य शास्त्र में ये भी देखने को मिलता है, तुम्हें पता है ना, अन्य साथ में भी तुमको देखने को मिलेगा कि प्रिया चरित्रम पुरुषम से भाग्यवत्यम देवो न जाना तो मनुष्य। तो हर जगह नारी की अलग अलग व्याख्या है। जब कह रहे हो नारी बात मान मान, एक बात बताओ कभी राम का सीता के पास गए हो गए हो? एक बार नहीं, सहस्त्र बार मैंने ऐसा करने का प्रयास किया। कभी राम का कुएं में, कभी शादी के वेश में, या कभी अन्य वेश में, हमेशा मैं वेश बदल करके जाने का प्रयास करता रहता हूँ। लेकिन जब भी वेश बदलकर मैं लंका से अशोक वाटिका के लिए प्रस्थान करता हूँ तो लंका की समस्त रानियां मुझे माता समान दिखाई दे रही हैं, सिवाय मध्य कोई के। लंका में नारियों का सम्मान नहीं है, क्यों क्यों? अरे नारायण, तुमसे ये किसी ने कह दिया कि लंका में नारियों का सम्मान नहीं होता? लंका में नारियां स्वयं को उपेक्षित महसूस करती है। लंका में नारियों को जो सम्मान और हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तुम्हें पता है कि लंका नरेश राजा रावण को उदाहरण देने का स्थान नहीं है, लेकिन तुम्हारे याद दिलाने के लिए सिर्फ एक घटना याद दिलाना चाहूंगा। याद करो वह समय जब मैंने युद्ध भूमि में शेषनाग को पराजित किया था और उसकी पुत्री सुलोचना को जीत कर लंका ले आया था। लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य रहा कि सुलोचना उम्र में काफी छोटी थी, वो मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं थी। और रावण का इतिहास रहा है कि उसने जिस किसी को अपनी पिताओं के बल पर हासिल किया, अपनी पांचों पिताओं से हासिल किया, उसे कभी वापस नहीं किया, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। और उसी दिन लंका के राजमहल में मैंने यह पूछा था कि सुलोचना जीत कर लाई गई है, अगर वह लंका में रावण की पत्नी बनकर नहीं रहेगी तो लंका में रावण की पुत्री वधू बनकर रहेगी, लेकिन लंका से बाहर ना रहे। तुम कहते हो कि लंका में नारियों का सम्मान नहीं होता, सुलोचना जब तक लंका में रही उसकी सम्मान अभी तक ना नहीं पहुंचा, उसकी प्रतिष्ठा भी कम ज्ञान से ना है। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी बातों का मैं मानता हूं। Thank you.
यह कहकर यही रावण चला किया मंत्र उपचार भाव सिंह साथी धरा मेरे चार बजे दो बजे तुम कितना देखे आदमी सवेरे देख लो 28 को देख लो 28 विभीषण जी संध्या का था समय हो चुका है हम और हमारे साथी लोग भी इस लंबे चले युद्ध से थक चुके हैं। हम लोग पूर्णिया में थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। ठीक है प्रभु, आप लोग विश्राम कीजिए, तब तक मैं यहाँ रखवाली करना। निकट निश्चर पहुंचा चुपचाप कुशल नट के समान हो अंत निगर पहुंचा। हे महाबली, मेरा अब पूजा का समय हो गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ स्नान करके पूजा करने के लिए और आप भगवान का दया देखा देखिए। ठीक है विभीषण जी, आप जाइए, मैं भगवान की रखवाली कर रहा हूँ। बोलू 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 निरख अंधेरा घोर
महावीर कर रहे थे देखभाल सब, मान भीषण का सदा करते थे हनुमान, इसी हेतु स्वरूप पर दे सके अति ध्यान। चालू करा, चालू करा। बजरंग बहादुर मारुत सुख और मुखदार पर खा, उससे बच जाना मुश्किल है शस्त्र सार कर खावा। याद रहेगी हितकारी उसके बदले मैं दे सकता मान सुख को तो खामा। ठीक है प्रभु के लगा हुआ। निश्चिंत मुनिश्वर के समान मुनि जन मन रंजन सोते थे छवि पति की उस अद्भुत छवि पर त्रिभुवन न्योछावर होते थे। दुनिया में सो जाने पर भी
जो सदा जागते रहते हैं, लीला या है लीलाधर की निद्रा लीला भी करते हैं। इधर राम सुनो, इधर राम लक्ष्मण तुम्हारा सो रहे हो। अब आसानी भेष में आ गया। एक हाथ तो धनवा पर है, एक हाथ तो धनव पर, दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है। पांवों के नीचे लंका है, मस्तक के ऊपर सागर है। चारों दिस सोता है कपिदल, जिसके कुमुद मयंक द्वीप, सुग्रीव नील नल जामवन, धूम्राक्ष सुखेन अंगद भी। मानो योद्धाओं का मंडल प्रत्यक्ष क्षीर सागर सा है, का पतिका दिव्य रूप उसमें श्री कमला वर्षा है। रावण ने सुस्थिर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा था, अपने कितने की पुण्यों का जन्मों का फल संकलित था। जब चेत हुआ तो ध्यान किया, रावण के काम बनाने का, लक्ष्मण समेत रघुराई को चुपके से हर ले जाने का। हनुमान सो जाए
जाके दबा दे। कर रहा हूं अब तो आप सही बता सकते हैं कि भगवान कहां गए।
अहिरावण ने मेरा रूप पकड़ के और ये काम किया है। ये काम किया है। काम बना करके वहां से प्रभु को लेकर के आ सकता है। स्वामी के भारी संकट में जो सेवक का मन आता है, दिखता है उसके जीवन पर वह जीते जी मर। ऐसे भारी संकट में जो सेवा अपने स्वामी के काम नहीं आता है, उसका जीना जो है व्यर्थ होता है। हे भैया हनुमान, तुम ही इस कार्य को तुम ही कर सकते हो। जामा जी, सोते से आपने हमको जगा दिया, मेरे बल का एहसास हमेशा आप दिलाते आए हैं और आज भी आपके आदेशानुसार मैं जाऊंगा आपका और भगवान का पता लगा करके ही वापस आऊंगा। मेरे राज्य में कोई आने न हो, इतना तक चूंटिया भी इस राज में न आ रहे। आपके आदेशों का पालन करेंगे।
भाई, बिना पूछे जाते निधर अंदर चले जा रहे हो। कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? मेरे पल और विक्रम के, मेरे पल और विक्रम के रे ज्ञानी वाली या जा हार वाली, मगर स्वच्छ हूँ हनुमान मान है क्या यारे प्यारा, मगर ध्वज ध्वज हनुमान ज्ञान के कहे जाते हैं हम। तुम कौन हो भैया, बिना बिना जाते अंदर चले जा रहे हो? राजधानी का मैं राजधानी का मैं निश्चित रखा था हूँ, भय 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 का आयरा भय 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 आ भय भय। तुमको इस बात का पता नहीं है क्या? आपका दोस्त नहीं है, दोस्त वक्त का है, समय का है। एक बाप बेटा को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, एक बेटा बाप को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। समाज में ऐसा ही बुराइयां उत्पन्न होती चली जा रही है, क्या बताएं पिताजी। और अगर नारी को औरत हो अपने बीवी को पहचानना हो पिताजी, तो जरा सा देर नहीं लग रहा है। सुनिए कह रहे हैं कैसे तुम शुद्ध पुत्र बनते हो, अपने माँ के मुख से वर्णन जो सुने हैं पिताजी बता रहा हूँ, और पूरा का पूरा उम्मीद विश्वास है पिताजी कि अवश्य जरूर मान जाएंगे। हाँ बेटा सत्य कहे। सुनिए अब पिताजी, मैं उत्पत्ति अपना सुनाता हूँ, हाल सुना है माता से वो भयो रे बार बता। ये पिताजी अपने माँ 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 के अंतर्बिंदु से जो सुने हैं हम बता रहे हैं उसको। आए सागर तीर तुम जब लंका को जा, तभी तुम्हारे अंग से वही स्वेद की धार, वही स्वेद की धार पहुंची धार समुद्र में, उसको पीकर गर्भवती उससे मिथ्या, इसमें कुछ बात
नहीं, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ आप पधारे हैं, जो उचित जाने कह दी गए क्या क्या विचार उड़ाए। अच्छा, आपने जो जो सारी घटना बताई भाई, विधि का विधान है, हो सकता है। अब सुनिए, अपने लखन जी का सेवक हूँ और मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मैं दिन रात उन्हीं लोगों के गुणों का गुणगान करता हूँ, प्रभु का भजन करता हूँ। आप इस नगरी का जो राजा अहियावण है, वो छल के द्वारा प्रभु राम और कोई छोटे भाई लक्ष्मण का हरण करके ले आया है। मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे पता चला कि यह दुष्ट निशाचर दोनों लोगों को देवी नहीं बलि देने वाला है। किसी तरह मैं तुम्हारे स्थल के अंदर प्रवेश करूंगा। मैं प्रभु राम और लखन को इस दुष्ट निशाचर के चंगुल से रिहा कराऊंगा। पिताजी, आपके बातों को सुनकर हम तो ऐसे विषम परिस्थितियों में फंसते चले जा रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रही है। पिताजी, कि हम बड़े प्रचार करें, एक तरफ आप पिता कह रहे हैं, एक तरफ हमें राजा के आगे उनका पालन करना है।
दीपिका जी, आप सारे हमारे भी बातों पे आप अवगत हो चुके हैं और हम भी आपकी बातों पे अवगत अवगत हो चुके हैं। पिताजी अब उचित अनुचित जो जो लगे जैसा हो आप बताइए, हम आपके आदेशों का पालन करूं कि हम अपने राज दरबार का राजा करें। आज जब यह प्रमाणित हो ही गया कि आप हमारे पुत्र हैं और एक पिता होने के नाते मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि आप हमारे धर्म से बचे आप हम सत्संग के मार्ग में भूल जाए। कहीं पदे हुए हैं हम भगवान की भक्ति में पदे हैं, आप राज धर्म में पदे हुए हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपना राज धर्म में भी आपका है आपको त्याग दें। चलिए हम अपने भूमि पे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का किसी के प्रति हो, अगर इस जन्म में मैं हार गया तो वापस चला जाऊंगा और अगर आप हार गए तो मैं बेधड़क इस महल के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। शुरू को के खत्म हो ना एक मिनट, एक मिनट आप भूल जाए
हाँ बहुत बहुत बड़ा पता है सब तो अच्छा के बिलार हो भक्ति आप लोग देख रहे हैं इस साल भर प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का जो कपड़ा है वो हमारे रामलीला कमेटी के सक्रिय सदस्य योगेश जी द्वारा दिया गया है। योगेश जी ने इस बार बीमा उठाया था सनम प्रभु श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण और लक्ष्मण जी का कपड़ा हम देंगे और उनके द्वारा ये कपड़ा दिया गया है। हम आपको निवेदन करेंगे कि तालियों से बाहर थोड़ा सा निकाल ले। अगला पुरस्कार है मोना सिंह मुकेश की लड़की है। इस बच्ची की तरफ से रामलीला समिति को 100 रुपए का पुरस्कार मिला है। हम रामलीला मंच से इस बच्ची के उनके भविष्य की कामना करते हैं और परमादरणीय हमारे रामलीला समिति के संरक्षक आदरणीय श्री कुमार भैया जी आपके तरफ से रामलीला समिति को 501 रुपए का सहयोग मिला है। हम आपके श्री चरणों में सादर आभार प्रकट करते हैं और शौर्य सिंह जो श्री कुमार भैया जी के पोते हैं आपके तरफ से भी रामलीला समिति को 100 रुपए का सहयोग मिला है। मैं इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। श्रेयांश सिंह ये गोल्डन के लड़के हैं इनके तरफ से भी रामलीला समिति को 500 रुपए का सहयोग मिला है। हम इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पुष्पेंद्र सिंह गोलू आपके तरफ से भी रामलीला समिति को 251 रुपए का सहयोग मिला है। रामलीला समिति आपका आभार प्रकट करती है। और सुमित सिंह भगवान इस साल की रामलीला का सबसे सक्रिय कार्यकर्ता इस बच्चे की तरफ से भी रामलीला समिति को 50 रुपए का सहयोग मिला है। हम इस बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। और आप लोगों को एक सूचना दे दें। हाँ आप लोग कहीं जाएंगे नहीं। अहिरावण पर्व के बाद हमारा प्रॉमिक है मुर्गा बेटा का फल में और रावण पर्व हमारा कल मेले में होगा। मेला की जगह अभी मत बताइए। और मेले की जगह पहले भी मैं बता दूं इस बार रात मेला का जगह घरिया विद्यालय में निश्चित किया गया है। विश्वासी कॉलेज पर वही जगह निश्चित किया गया है और रामलीला समिति के सदस्यों के द्वारा ही मेला लगवाया जाएगा। इसलिए यहाँ मौजूद जो लोग हैं अगर दुकान भी लगाते हैं तो उनसे निवेदन है कि वो अपनी दुकान उसी जगह पे लगाएंगे जहाँ रामलीला समिति चाहेगी। हाँ उसके लिए हमारे कमेटी के सदस्य सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद अपने अनुसार वो मेले में बैरिकेडिंग करा करके और दुकान लगवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अनुशासित है ये दोनों महाराज। ये अवधपुरी नहीं है बेटे, ये पातालपुरी है। यहाँ जो मैं कहता हूँ वही होता है, अब वही सुनना पड़ता है। हाँ वही सुनना भी पड़ता है। ठीक से बैठो तो अच्छी बात है। बैठो विश्राम हम पत्थी मार मार हाँ 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 चले 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 जिसके बल पर सुन इतना रहे हो ना। अब वो कमाने जरूर हो गया, चकनाचूर हो गया, वो तो जरूर हो गया। बुलाना उस शक्ति को, बुलाना उस शक्ति को जिसके बल पर आज आंदोलन जीत रहे हैं। भूले नहीं समा रहे थे, इतना रहे थे। जब कोई भी बालक वर्णन होता है वो बहुत सुंदर लगता है। आज कितना सुंदर लग रहा है। दिया आंदोलन का अंतिम दिन, दिया फुटाने से पहले पहले फुटता है। चलिए मजा। एक राक्षस छूट गया, गोवा से आ रहा था, नाम है उनका नंदी भाई। क्या नाम है? आ जाए ना, ऐसा फुलवा सौंध जाए। ये विश्व को सब सब देश पाताल काम में, ये घरियापुरी नहीं है, ये पाताल भाई है। या जो विदेशी भाषा का उपयोग कर रहे हैं रिस्क नहीं चलता है यार। घबरा मत, ये ठीक से किया कि अब धनतेरस के नहीं मना पाएंगे। अरे समय अनुकूल नहीं होता है भैया। महाराज लेकिन इस बात पे कांता भाई बतासा, कांता भाई बतासा नहीं खाएगी, फल खाएगी फल। Oh,
अरे तब्बो जनता ये रे। अरे भाई बिताई मास्टर अगला भाई भाई आइए पचारा जाती है। पचारा काम मैं है तू कड़िया
Thank you.
माता हो माता राम राम राम। अरे माता आप बोल लगी, अरे माता आप बोल लगी, अरे माता बोल लगी, अरे बहुत अरे मास्टर साहब बोल लगी अरे मास्टर साहब बोल लगी कब्रिस्तान में अच्छा आसान होला ना, पैसा ढेर रहा रिस्की होला, ये बात के जान ला ना। मास्टर
अरे बहुत खुशी हो गई हमारे नसीबे जा